मध्य प्रदेश में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई। वहां कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश पिछले 2-3 दिनों से रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से डैम भी पूरी तरह भरने के कगार पर पहुंच गया। वहां तवा डैम में जरूरत से ज्यादा पानी जमा हो जाने की वजह से उसके गेट खोलने पड़े, जिसके बाद एक साथ बहते कई गैलन पानी के शोर ने लोगों को खौफ से भर दिया। और ये पानी नर्मदापुरम के लोगों के लिए कई तरह की मुश्किलें लेकर आया। शहर में कहीं घुटनों तक पानी भर गया तो कहीं सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं। निचली बस्तियों में तो हाल और भी बुरे थे। वहां तो लोगों के घरों पर बरसाती पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि रहना दूभर हो गया। और ऐसे हालात मध्य प्रदेश के कई और जिलों में भी देखने को मिले। इटारसी में तो इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में मौजूद सामान तैरने लगा और मकानों में कमर तक पानी भर गया। एक घर में तो नजारा ऐसा था मानो घर किसी नदी की धार के बीच बनाया गया हो। तेजी से बहते पानी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जिसके बाद बुजुर्गों और बच्चों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। लगातार होती बारिश की वजह से कुछ जगहों पर तो कारें पानी में पूरी तरह डूबने लगी। वहीं कुछ इलाकों में तो लोगों की जान पर बनाई, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव की टीमें तैनात दिखी। एक जगह पर तो बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए खुद जिले के कलेक्टर ने मोर्चा संभाल लिया और वो बचाव दल की एक टीम के साथ नाव में बैठकर लोगों का रेस्क्यू करने पहुंच गए। वहीं तेलंगाना के पेद्दपल्ली में भीषण बाढ़ के बीच 3 महीने के एक बच्चे के रेस्क्यू करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, क्योंकि जिस तरह से बच्चे को बचाया गया वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। सामने आए वीडियो में गहरे पानी के बीच एक आदमी नन्हे बच्चे को टोकरी में रखकर बाहर ले जाता नजर आया। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से ये बच्चा अपने परिवार के साथ घर में फंसा हुआ था, पर जैसे ही इसकी जानकारी रेस्क्यू टीम को मिली तो वो तुरंत मदद के लिए पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने मासूम बच्चे को सुरक्षित घर से बाहर निकाल लिया।